हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ पल्लवी। आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। आज से हम इंग्लिश की पढ़ाई करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस होगा कि इंग्लिश के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो पैरामेडिकल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो बेसिकली 15 मार्क्स का होता है, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चंस आपके ग्रामर से आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन से। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रामर से। पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम वोकैबुलरी वाले सेक्शन में जाएंगे। ग्रामर के बारे में अभी हम कुछ ज़्यादा जानेंगे। ओके, और उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ग्रामर आखिर है क्या, एंड देन वी विल हेड टू इट्स पार्ट, लाइक कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आप सब इन सब चीज़ों शब्दों से वाकिफ होंगे, पर हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, ताकि हम अपने क्वेश्चंस जो हैं आसानी से सॉल्व कर पाएँ और कुछ ज़्यादा इनके बारे में जान पाएँ। पहले हम जानेंगे, समझेंगे, और क्वेश्चंस तो फिर यू बन जाने हैं हमसे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रामर। तो ग्रामर इज़ रूल ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब किसी भी भाषा के अंदर अंतर जो रूल होता है कि हम उस भाषा को कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, उसके अंदर की चीज़ों को कैसे प्रोनाउंस करेंगे उस भाषा में, उस सब के सेट जो होते हैं रूल्स के, उसको ग्रामर के अंदर रखा गया है, जिसका हिंदी होता है व्याकरण। ओके, तो ग्रामर के अंदर हम पढ़ते हैं कि रूल्स, ऐसे रूल्स जिससे कि हम किसी भी भाषा को कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हो गया ग्रामर। नाउ उसके आगे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आप किसी भी भाषा के अंदर, मतलब उसको बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारी एक भाषा हो या कोई और भी भाषा हो, उसके अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे, और वो सभी शब्द का अपना एक मतलब होता है। एक कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, इंसान मतलब भाषा जब वो बात करता है तो वो एक सेंटेंस में बात करता है, फिर पैराग्राफ, ये सब मतलब होता, तो वो बेसिकली सेंटेंस ही है, एक वर्ड में तो बात नहीं करते जनरली हम। तो वो जो सेंटेंस जो होता है उसमें अलग अलग शब्द होते हैं, और वो जो सारे शब्द होते हैं वो अपना अलग अलग रोल निभा रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो वो जो सारे शब्द हैं, उन वो सारे के सारे शब्द इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। मतलब स्पीच यहाँ पे यही है कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके अंदर जितने भी जो भी शब्द हो, वो सभी स्पीच, मतलब एक बोलना, बोलने के लिए जो हम बात करते हैं उसको स्पीच कहते हैं। उसके अंदर जितने भी सारे शब्द आते हैं सेंटेंस के अंदर, वो सभी के सभी वर्ड्स जो होते हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। ओके, तो उसके आगे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है नाउन। ओके, सबसे पहला नाउन आता है, देन कम्स प्रोनाउन, नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, देन एडवर्ब, एंड देन कम्स प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन सभी को हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, विशेषण एडजेक्टिव को कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक कहते हैं, कंजंक्शन को संयोजन कहते हैं, एंड इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम हर एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि ये काम मतलब इसके अंदर की चीज़ें क्या हैं, और ये सब एक सेंटेंस में अपना रोल कैसे कैसे निभाते हैं, और इससे हमारे क्वेश्चंस बनाने में हमें कितनी आसानी होगी। ऑब्वियसली ये सब समझ जाओगे तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस बन जाने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे नाउन से, और उसके बाद फिर हम एक एक करके नाउन के बाद प्रोनाउन पे आएंगे, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, पोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, सबके बारे में हम जानेंगे कि ये है क्या क्या। ओके, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि नाउन क्या है और नाउन के अंदर की चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले नाउन का हिंदी क्या होता है? नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। संज्ञा क्या है? अब व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके,
नाम इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब नाउन जो है उसको नाम इज़ नेम ऑफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक नामकरण, नामकरण पता है क्या, मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना वो सब उसको वो कहा जाता है, किसी भी भाषा का जो पहला कोई भाग होता है कि वो मतलब उस भाषा में सबसे पहले क्या आता है, तो वो कोई भी चीज़ का नाम होता है, नाम होता है तभी हम उसको जानते हैं उसके बारे में कि एक है क्या, किस तरीके का चीज़ है, क्या है, कैसे है, तो वो हम तभी जानते हैं जब हम उसका नाम जानते हैं। तो ये जो नामकरण वाले शब्द होते हैं ना सारे के सारे, उसको कहते हैं संज्ञा यानी कि नाम, नेम ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ का नाम जो होता है वो संज्ञा के अंदर आता है। अब जैसे कि एक वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो लोगों का नाम हो, जगह का नाम हो, जानवर का नाम हो, पंछी का नाम हो, वस्तु मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का नाम हो, या फिर किसी फीलिंग का, भाव का नाम हो, चाहे आप उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के नाम को नाम के अंदर रखा गया है, दैट इज़ नाम। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें कि यहाँ पे, सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें यहाँ पे जैसे देखो ये राम है, दिल्ली है, गीता है, इसके अलावा भी है, जैसे लोगों के नाम का एग्ज़ाम्पल आप लोगे तो जैसे अभी राम था, गीता थी, उसके बाद फिर लोग में और क्या, हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एक टर्म है, उसकी जगह विमेन, मैन, महिला, पुरुष, इंसान, इंसान, उसके बाद फिर लड़की, लड़का, अब उन लड़की लड़कों के नाम होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इसके लोग वाले कैटेगरी में आते हैं कि लोगों का ये एग्जांपल हो गया नाम का। उसके बाद फिर आता है एग्जांपल जगह के, जगह में, जगह में क्या हो सकता है, जैसे कि पटना है, भारत, भारत देश, मेक्सिको है, उसके बाद जगह का नाम, अब जैसे कि नदी, नदी भी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, इन सब चीज़ों का जो नाम होता है दैट उसको कहते हैं नाउन, वो भी नाउन है, वो उसके जगह वाले में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जगह का नाम कैसे, कौन कौन से जगह का नाम नाउन है, मतलब सारे जगहों का नाम नाउन है, तो उसमें एग्जांपल दे रही हूँ कि जगह पे जैसे बेंगलोर हो गया, मेक्सिको हो गया, उसके बाद फिर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, देन कम्स अब बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं प्लेसेस वाले एग्जांपल में नाम के। ओके, पशु पक्षी के भी नाम होते हैं, पशु पक्षी मतलब जानवर, चिड़िया, ये सब, जैसे शेर है, शुतुरमुर्ग है, भालू है, बिल्ली है, कुत्ता है, मछली है, शार्क है, सांप है, और मतलब ऐसे और जितने भी हैं इन सभी, ये भी ये हो गया आपका एग्जांपल कि जानवरों के नाम। ओके, अब जैसे कि थॉट्स, जैसे मैंने बोला भाव, भाव के नाम को भी, मतलब जो फीलिंग आप फील करते हैं उन सब के नाम को भी यहाँ पे नाम कहते हैं। ओके, जैसे देखो कि यहाँ पे हमारे फीलिंग्स में मतलब फीलिंग क्या, जैसे एग्जांपल है वो कैसे है, ये सब बेसिकली इस सेक्शन में आता है नाउन के, जैसे कि ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, लव है, हेट है, पॉवर्टी है, ये सब भाव के नाम हैं, ये सब आते हैं आपके, ये सब भी मतलब मैंने जो बोला अभी कि ये जो आपकी फीलिंग्स होती है, भाव का नाम होता है, उन सबको कहते हैं, वो उस सब का एग्जांपल है ये, जैसे कि और भी हो गया विकास, यू नो, डेवलपमेंट, आविष्कार, डिस्कवरी, उसके बाद एक्सटेंट होना, विलुप्त होने वाला चीज़, किसी भी चीज़ पे आपका जो आपका विचार है, जैसे कि आपके कुछ थॉट्स जो हैं, उसके बाद फिर और भी मतलब कि किसी चीज़ को बिल्ड करने का जो भाव है, लव है, हेट है, उसके बाद फिर जेलसी है, उसके बाद एक्सट्रीम जॉय है, ये सारी, उसके बाद ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी है, ब्रेवरी है, बहादुरी है, ऐसे और जितने भी शब्द होते हैं ना, ये सब आपके नाउन के उस सेक्शन में आते हैं कि ये आपका विचार वाला सेक्शन, मतलब थॉट्स, मतलब उन सब के चीज़ों के, इस सबको तो आप देख नहीं सकते हो, तो इन सब का नाम मतलब आप इस सबको महसूस कर सकते हो, सुन नहीं सकते, मतलब कोई इंसान अगर एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को तो वो आपको सुनाई देगा आपके सेंसेस के थ्रू, पर आपको तो वो फील, मतलब फील कर रहे हो ना आप, दैट इज़ फीलिंग, तो उन सब का भी नाम है, एंड
वो सब नाम जो है वो इसके इस सेक्शन में आता है कि वो फीलिंग का मतलब उसका भी नाम है कि भाव का नाम है, तो ये दैट इज़ ऑल्सो संज्ञा। अब जैसे किसी चीज़ का नाम है, चीज़ का जैसे कि टेबल चेयर, उसके बाद देन कम साइकिल, कर्टन, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, अलमारी, अलमीरा, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आती हैं आपके चीज़ों के नाम में, जो चीज़ों के नाम होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके आसपास कितनी ही सारी चीज़ें हैं, तो ये उन सब का नाम भी संज्ञा के अंदर आता है। मतलब जितने भी आप चीज़ देख लो ना, हर चीज़ का नाम होता है। बेसिक पॉइंट जो है, जो मेन मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो ये कि आप अपने आसपास, चाहे वो आप खुद हों या आपके हाथ में कुछ हो या आप कुछ देख रहे हों या आपके आसपास कुछ और भी हो, उन सभी चीज़ों का नाम होता ही होता है, एंड वो कम्स इन कैटेगरी ऑफ नाउन, दैट इज संज्ञा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इट कम्स इन नाउन। ओके, देन कम्स प्रोनाउन, जो कि नाउन की जगह पे यूज होता है। इज दैट आप सबको पता है कि नाउन की जगह पे यूज होता है प्रोनाउन। उसके बाद इन दोनों की, मतलब चाहे वो ये हो या ये हो या ये दोनों साथ में हो, इन दोनों की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। ठीक है, इन कि ये कोई कुछ किसी चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ बताता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये वैसी है, ऐसा है, वैसा है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। देन कम्स वर्ब। वर्ब मतलब हम जो कुछ काम करते हैं उसको कहते हैं क्रिया, कि मतलब क्रिया का मतलब ही होता है कि ये किया गया। ओके, किया गया काम या जो हो रहा है काम, दैट इज़ कॉल्ड क्रिया। तो उन सब का भी नाम होता है कि ये, जैसे कि हंसना, दौड़ना, खाना, पीना, चलना, तो ये सब जो काम जो हम कर रहे हैं उन सब का नाम है, एंड दैट इज़ कॉल्ड क्रिया। देन कम्स एडवर्ब, वो क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे कि हमें कुछ आइडिया होगा, जैसे कि धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे चलना, तेज तेज भागना, तो ये जो शब्द है ये तेज तेज, ये सब आता है एडवर्ब के अंदर। ओके, ये एडवर्ब था। प्रीपोजिशन कम्स देन कि में, ऊपर, नीचे, ऐसे जो शब्द हैं जो मतलब किसी सेंटेंस में अपना इस तरीके से देते हैं कि वो कोई चीज़ कहाँ है, कैसे, मतलब बताते हैं कि वो हो क्या रहा है। जैसे कि ट्रे टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर ऊपर, दैट इज़ प्रीपोजिशन। उसके बाद जैसे कि सीता और गीता स्कूल जा रही, बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है सीता और गीता, तो इसमें जो और है दैट कम्स इन संयोजन, ऐसे जो शब्द हैं वो संयोजन के अंदर आते हैं। ओके, देन कम्स विस्मय आदि बोधक, वो फिर से वही सारे शब्द जो भाव प्रकट करते हैं, वो सारे चीज़ें इसमें, जैसे कि हिप्पी, हुर्रे, ओ ये गलत लिखा गया, मतलब ऐसे जितने भी होते हैं, जैसे कि हुर्रे, उसके बाद ये, वाव, तो ऐसे जैसे जो शब्द होते हैं, दीज आर कैटेगराइज इनटू इंटरजेक्शन, वो सब इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अभी जो हमने इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया नाउन का, तो ठीक है, नाउन आई गेस आप सबको समझ में, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि नाउन होता क्या है। ओके, तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ वर्ड मतलब वो बहुत सारे शब्द, अलग अलग शब्द, विच आर यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन,
then place or things, okay? किसी व्यक्ति वस्तु गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं. इतना जो अगर आपको अभी नाउन के बारे में अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, पीछे कीजिए और फिर से सुनिए कि नाउन क्या है. अब हम नाउन के आगे जो उसके टाइप्स हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो संज्ञा यानी नाउन को बहुत मतलब ऊपर ऊपर से मोटे तौर पे जो है वर्गीकृत किया गया है पांच भागों में, जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं. दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, तो ये सब नाउन के पार्ट्स हैं. ये ऊपर ऊपर वाले जिसमें हम प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन को कहते हैं समूहवाचक, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक बोल दिया मैंने, कॉमन नाउन जातिवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक. ठीक है, ये सब इसके पार्ट्स हैं. इसको मतलब और भी तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक ये सिर्फ आगे नहीं, आप संज्ञा भी जोड़ो आगे, नाउन प्रॉपर नाउन. उसके बाद इसके हम हर एक भाग को अलग अलग से पढ़ेंगे कि ये है क्या, क्योंकि आज वाला जो है हमारा वो मेन फोकस है नाउन. आज हम नाउन को समझ के क्लियर करेंगे कि नाउन होता क्या है. देन वी विल हेड टू प्रोनाउन इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो नाउन होता है, नाउन होता है आपको पता चल गया. देन कम्स प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन का हिंदी जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है. ओके, तो प्रॉपर नाउन जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष रूप से बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. यानी अ वर्ड विच स्पेसिफिकली डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. मैं लिख भी दूं, ओके, अ वर्ड, वर्ड विच स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली डिनोट्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, That is proper noun. That is a proper noun. Okay? Is that clear? ये आपका definition है. आप pause करके देख सकते हैं. फिर से देख सकते हैं आप. तो ये जो proper noun है ये वही हो गया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो specific, जो मतलब खास तौर पे सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, वो शब्द प्रॉपर नाउन के अंदर आता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल माय नेम इज लेट्स से रोज. आई होप सबको टाइटैनिक की रोज याद है. उनका नाम रोज था. यहाँ पे ये रोज एक फूल का नाम है पर ये एक इंसान का भी नाम हो सकता है. तो स्पेसिफिकली रोज जो है यहाँ पे, मेरा नाम रोज नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि माय नेम इज रोज. तो ये एक किसी खास इंसान का नाम है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. देन लेट्स टेक एग्जांपल कि आप सबके पास पेट होगा, बहुत के पास, या मतलब देखा होगा कि लोगों के पेट होते हैं. तो उसका अब पेट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. कि एक तो मैंने देखा था, अब एक के पास बकरी थी. वो बकरी बिल्कुल इंसानों की तरह चलती थी, दो पैरों पे होगी, तो वो दैट इज़ अनदर थिंग. तो वो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है. तो ऐसे जो पेट होते हैं, मुर्गा भी हो सकता है, मछली भी हो सकती है, तो इन सब के जो नाम होते हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. जैसे कि दिस इज माय पेट. लेट्स टेक एग्जाम्पल जेनी.
सॉरी जेरी, जेरी ओके। तो जेरी इनके पेट हैं, जिन जो शायद एक, आई होप यू अंडरस्टैंड, डॉग है, डॉग है या बिच है। यहाँ पे बिच एक गाली नहीं है ओके। देखो बिच मतलब वो फीमेल वर्जन है, फीमेल जेंडर है डॉग का ओके। यहाँ पे कोई गाली नहीं दे रहा, मतलब उनके पास कोई है, उनके पास एक डॉग है विच इज़ अ बिच, एंड उसको का नाम चेरी है ठीक है। यहाँ पे वो है, ओके उसके बाद मैं एक आई केम फ्रॉम अनो, आई रिटर्न फ्रॉम मॉस्को, आई रिटर्न फ्रॉम मॉस्को, स्पेसिफिक प्लेस मॉस्को, मॉस्को कहीं और नहीं है। तो ये जो स्पेसिफिक प्लेस है ये भी आता है आपके प्रॉपर नाउन के अंदर। देन कम्स एक किसी एक चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे कि आपने सबने ज़ारा सुना है, ज़ारा सुना है या कोई और, चलो रेमंड ले लो, रेमंड। आई गार अ सूट फ्रॉम रेमंड। तो यहाँ पे रेमंड एक ब्रांड का नाम है, ये एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम है। तो इसीलिए ये सब ये जो है ये आता है प्रॉपर नाउन के अंदर ओके। ऐसी और भी बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं, और ये सब प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं ओके। देन कम्स कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा ओके। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो किसी सामान्य वस्तु, समूह या स्थान का बोध कराती है ठीक है। मतलब वो इतना कोई स्पेसिफिक सा नहीं है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है वो स्पेसिफिक था उनका एक अलग, मतलब कि वो एक कुछ खास लोगों का था नाम, मतलब वो कहीं और नहीं है, वो जगह कहीं और नहीं है, ये चीज़ कोई और दूसरी हो नहीं सकती। पर जातिवाचक के अंदर ये इसका बिल्कुल उलट है, कॉमन नाउन इसके एकदम अलग है, वो किसी भी कॉमन नाउन, किसी भी कॉमन चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ले लें, सॉरी पहले डिफिनेशन ले लेते हैं, कॉमन नाउन इज नेम ऑफ एनी कॉमन प्लेस और थिंग प्लेस और थिंग ओके। तो या ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप और थिंग। तो ये कॉमन चीज़ों का नाम होता है कॉमन नाउन के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई बाउट ब्लैक पेन। अब ब्लैक पेन जो है वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं की जा रही है, ये काला पेन है, ये कलम है, ये कहीं भी मतलब किसी भी ब्रांड का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, दुनिया में और भी बहुत सारे काले पेन हैं। तो ये जो काला पेन है ब्लैक पेन, दैट इज़ अ कॉमन नाउन ओके। उसके उलट उलट नहीं, उसके साथ ही एक और एग्जांपल, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल्स तो बहुत सारी हैं, कौन से स्कूल जा रहा है वो तो नहीं बताया बच्चे ने, पर वो बोला कि वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्कूल टर्म है ये एक कॉमन नाउन है ओके। एंड देन कम्स की आज जो इंसान है उसके कार का ईंधन, यू नो, यानी पेट्रोल या जो भी है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो कार है, कार को
कोई सा कार भी हो सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक ब्रांड की बात नहीं की इन्होंने, वो हो सकता है जैसे कि आप मारुति है या मतलब ऐसे और भी फोर्ड है, मर्सिडीज़ की बात नहीं करूँगी अम्मी मैं यहाँ पे, ओके ऑडी है और भी बहुत सारे, मतलब ऐसे जो ब्रांड्स हैं इनकी ना, इनका नाम नहीं लिया किसी ने, इन्होंने बस बोला कि कार का पेट्रोल ख़त्म, तो कार तो कोई सा भी हो सकता है, तो द वर्ड कार कम्स इन कॉमन नाम, द वर्ड कार कम्स इन कॉमन नाउन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके कॉमन नाउन के अंदर। देन वी आर हेडिंग टू कलेक्टिव नाउन, ओके नाउ वी आर हेडिंग टू कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे ये देखिए मतलब बताया गया है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा जिसमें अनेक व्यक्तियों, अनेक स्थानों और अनेक पशुओं, वस्तुओं, पंछियों का बोध हो जिस नाम से, दैट इज कॉल्ड बहुवचन संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। इसको बहुवचन भी कहते हैं, बहुवचन संज्ञा भी कहते हैं, ये इसका सिनोनिम है, द टर्म सिनोनिम comes in vocabulary section। ये हम पढ़ेंगे ग्रामर के बाद, ओके तो ये जो कलेक्टिव नाउन है, अब व्हाट इज दैट, अभी बताया कि बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे जगहों, बहुत सारे वस्तुओं का, बहुत सारे पशुओं का, पक्षियों का, मतलब जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं उन सभी का अगर एक से ज़्यादा होता, मतलब मात्रा उसकी ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और इसमें जो इसका मेन पार्ट होता है उसमें एस या ई एस लगा होता है, ठीक है, उसके साथ ही आई ई एस भी लगा होता है, ओ राइट, आई ई एस भी लगा होता है या फिर वी ई एस भी लगा होता है, जो वर्ड होता है उसके में लगा होता है। इन शब्दों की पहचान आप इससे कर सकते हैं कि वो कलेक्टिव नाउन है या नहीं, जैसे कि आई वॉन्ट एप्पल्स, एग्जाम्पल आई वॉन्ट एप्पल्स, यहाँ पे जो वर्ड एप्पल है, एप्पल मतलब सेब, ये एक प्रॉपर नाउन था क्योंकि ये एक खास फल की बात की जा रही है। अब इसमें देखिए एस लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एस लगा हुआ, तो इससे ये हो जाता है कि मतलब इनको एक सेब नहीं चाहिए, इनको बहुत सारा सेब चाहिए, दैट्स व्हाई ही सेइंग आई वांट एप्पल्स। तो यहाँ पे ये जो एप्पल्स वर्ड हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही और भी बहुत सारा इसके अंदर आता है, जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, आर्मी, यू नो, मतलब वस्तु आर्मी, यू नो, शेरों की शान, ये कैसा था आर्मी, तो अलग आपको आर्मी से पता चलता है कि आर्मी इज़ व्हाट, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, व्हाट इज़ आर्मी, आर्मी इज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, इज आर्मी, यहाँ पे आपको समूह का बोध हो रहा है, ग्रुप मतलब समूह, सोल्जर्स यानी वैसे इंसान जो सेना में है उनका जो समूह होता है उसको हम कहते हैं आर्मी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बैंड, कोई सा भी बैंड, जैसे कि जगराता करने वाला बैंड होता है, आप सबने देखा होगा आई थिंक, उसके बाद और भी बहुत सारे बैंड होता है, डांस का ग्रुप होता है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, लीडर्स का ग्रुप होता है, उसके बाद और क्या होता है, मेहरों का झुंड, मक्खियों का झुंड, यू नो, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो ये सब सारे एग्जांपल्स होते हैं कलेक्टिव नाउन के, ये
इसके अंदर आता है, कलेक्टिव नाउन के अंदर. आप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. समूहवाचक संज्ञा या बहुवचन संज्ञा जिसमें एक साथ, मतलब एक चीज़ की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे चीज़ एक साथ हैं, चाहे वो चीज़ हो या इंसान हो या जानवर हो या कोई जगह हो, उन सब को हम कहते हैं वो शब्द. जैसे कि कंट्रीज़, लाइक कंट्रीज़, इसमें एक से ज़्यादा जगह का बात किया जा रहा है. तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से बहुत ज़्यादा की बात हो रही है. ठीक है. देन कम्स, मैम एक्सक्यूज मी, देन वी आर हेडिंग टू मटेरियल नाउन. यू नो व्हाट इज मटेरियल नाउन? द्रव्यवाचक संज्ञा. ठीक है. अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जैसे द्रव्य से हमें आ रही होगी ये कि किसी पानी जैसे चीज़ों की बात होती है, मतलब वो चीज़ें जिसे हम गिन के, माप के, तोल के माप के ये करते हैं, रखते हैं, उन सब को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आइए, किसी पदार्थ का जिससे बोध होता है, किसी मटेरियल नाउन जिससे, जिस वर्ड से किसी पदार्थ का बोध हो, जिससे दूसरी चीज़ें भी बन सकें, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूंगी, और जिसको मापा और तोला जा सके, दैट इज़ कॉल्ड द्रव्यवाचक संज्ञा. ठीक है. अब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, जैसे कि एक किलो दूध. एक किलो दूध, यहाँ पे कप ऑफ सिल्वर भी है. सिल्वर को यहाँ पे हम माप सकते हैं, मापने का तरीका अलग होता है. साल का फर्नीचर है, साल वुड का फर्नीचर है, इसको भी माप सकते हैं कि मतलब कितना भारी है, कितना वज़न है, क्या है, कैसे है. तो ये इसके अलावा और भी, जैसे कि आयरन है, वुड है, नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये एग्जांपल कि गोल्ड का बना हुआ है नेकलेस, एक नेकलेस है जो कि गोल्ड का बना हुआ है, दिस मटेरियल इज़ गोल्ड. चावल की बोरी है यार, लुक. अब इसको एक एक करके गिनने बैठिए आप, पता चल जाएगा. इसको हम मापते हैं ना, जैसे कि एक केजी है या फिर एक क्विंटल है, क्विंटल है. तो ये ऐसे जो माप सकते हैं, ऐसे शब्द जिससे मतलब जिसको मापा तोला जा सके, दे आर इनसाइड दिस मटेरियल नाउन, उन सबको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. ठीक है. मटेरियल नाउन के अंदर इतना सा था, मतलब आपको समझ आया ना मैंने क्या बोला, कि वैसे शब्द जो किसी वैसे पदार्थों के बारे में बताते हैं जिसको मापा या तोला जा सके और उससे दूसरी चीज़ें भी बन सके, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं. उसके बाद कम्स द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा यानी जो हमारे अंदर की जो इंद्रियां, द सेंसेस विच कैन सेंस दीज टाइप ऑफ फीलिंग्स, मतलब जो ऐसे भाव को समझ पाती है, जैसे कि सुन पा रही हो या बोल पा रही हो या देख पा रही हो या अपने अंदर कॉमन सेंस जो दिमाग का है उससे महसूस कर पा रही हो, उन सभी चीज़ों को, वो जो और किसी चीज़ से अनुभव नहीं किया जा सकता, ये सब सिर्फ फील करके ही अनुभव किया जा सकता है, वैसे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, यहाँ पे हमारे एग्जांपल में ही है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, लव है, हेट है, पॉवर्टी है, यूथ है, रिचनेस है, जैसे कि इसका और तरीके से एग्जांपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पर साथ में जैसे कि मैं बोलूँ आप Love is a strong feeling. A
ना कि जो ऐसे सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ वो सेंटेंस ही अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल है, मैं दे सकती हूँ, पर अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। तो यहाँ पे जो ये है लव यानी कि प्रेम, ये एक मजबूत भावना है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, यानी कि कोई भी इंसान अगर ईमानदार है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। तो दैट इज़ यहाँ पे जो ऑनेस्टी है ये शब्द आता है किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ओके देन कम्स ब्रेवरी, ब्रेवरी जो होता है, अब जैसे कि कोई इंसान कहीं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पे कोई इंसान आवाज़ उठाता है, अब वो जो आवाज़ अपनी आवाज़ उठाने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए जो साहस चाहिए होता है, वो जो स्ट्रेंथ चाहिए होता है, उस स्ट्रेंथ को अपने अंदर कहीं से जगा के फिर जो इंसान बहादुरी वाला काम करता है, दैट ब्रेवरी इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके आप देन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो है ये भी एक एग्जांपल है, इंडिपेंडेंस ये भी आप फील करते हैं क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको आज़ादी महसूस आप कर रहे हैं, आई थिंक कि आप कहीं और जाओ घूमने जाओ वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, घूमते वक्त आपको कोई कुछ नहीं कहता बिकॉज आप वहाँ के एसेट होते हैं, टूरिस्ट होते हैं आप उनको फ़ायदा दिला रहे होते हैं, वो आपको इंडिया में जितनी इंडिपेंडेंस है ना आपको वो कहीं और नहीं मिलने वाली, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट सेकुलर कंट्री। तो यहाँ पे जो आप ये इंडिपेंडेंस फील कर रहे हैं, दिस इंडिपेंडेंस इज़ ये एक भावना है आज़ादी, दिस इंडिपेंडेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड हम सबको जो आज़ादी मिली है इसका हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये एक सेंटेंस है, इसमें जो आज़ादी है दैट इज़ भाववाचक संज्ञा, एंड दिस सेंटेंस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि हमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, आपके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, ड्यूटीज़ कर्तव्य, ये भी एक फीलिंग है, इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ भी आती हैं, तो ये भी एक फीलिंग है, दिस फीलिंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके तो यहाँ पे आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा नाउन के ये सारे पार्ट्स, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा साथ में कि नाउन एक्चुअली है क्या, इससे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जो मिला है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, वापस से शुरू कीजिए और फिर उसके बारे में और दोबारा से पढ़िए, एक बार दो बार तीन बार अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉट इट इज़ एग्जैक्टली, ये है क्या, और इससे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो आई थिंक बहुत इजी होते हैं, आई थिंक क्या ऑब्वियसली बहुत इजी होते हैं। ओके तो बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला, सिर्फ नाउन से मतलब ऐसे कोई नहीं कि ये सिर्फ नाउन का ही ये क्वेश्चन है, ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, पूरे ग्रामर से क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा ही आसान सा लगने वाला, नाउन आपको समझ में आ गया। देन अगले वीडियो में हम प्रोनाउन पे फोकस करेंगे। ओके प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि वॉट इज़ प्रोनाउन, देन वी विल हैव टू एडजेक्टिव, देन टू वर्ब, देन एडवर्ब, लाइकवाइज हम ये कंप्लीट कर लेंगे, देन अदर पार्ट्स ऑफ ग्रामर भी हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर वोकैबुलरी भी देखेंगे। बट वरी नॉट, इन सबको पढ़ाते पढ़ाते हम साथ में क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे क्वेश्चंस हैं और उसको कैसे हम बनाने वाले हैं, हम एग्जांपल्स देखेंगे क्वेश्चन के, ठीक है, और उसको सॉल्व भी करेंगे।
ओके दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं प्रॉपर नाउन के लिए. आई होप आप सब ठीक हो. थैंक यू.